ग्रीन ग्लो ऑर्गेनिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जनवरी के महीना में बहुत ही विशेष एक जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं और बात करेंगे किसान भाइयों को केले की फसल के बारे में। किसान भाइयों का सबसे बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है कि हम जो ठंडी का मौसम होता है, ठंडी के मौसम में फर्टिलाइज़र लोग नहीं दे पाते हैं या ये जानते हैं कि ठंडी में खाद हमें देना ही नहीं है। तो दिसंबर तक इस साल का जो टेम्परेचर रहा है बहुत ही गर्म रहा है और हमारा जनवरी भी महीना लगभग अभी 5-7 दिन तक ही ठंडी थी, अभी जनवरी पूरा बाकी है। लेकिन केले की फसल में देखा जाए तो लगभग मैक्सिमम माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है और जनवरी में हमें खाद के रूप में केले की फसल को क्या देना है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे कि केले में किस तरीके की बीमारियाँ आती हैं, पत्ती में किस तरीके से रोग लगते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी से पौधा पीला होता है, किसकी कमी से पौधे पत्तियां नीचे की सूखने लगती हैं। जैसे आप देख सकते हैं फास्फोरस की कमी जैसे आपके पौधे में दिखेगी वैसे पौधे जो है पत्तियां सूखने लगती हैं। मैग्नीशियम की कमी होने से आपके पत्ती कुछ वीडियो और फोटो के माध्यम से हम दिखाएंगे पत्ती का जो कलर है पीला होने लगता है, या हमारे प्लाट में भी इस समय यहाँ प्लाट में नहीं है पीला लेकिन कुछ प्लांट में है पीला। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली होने लगती हैं, प्लस आयरन की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी से पत्ती में कर्लिंग होती है, ये जो पत्ती प्लेन होते हैं वो प्लेन नहीं होते, उभार लिए होते हैं पत्तियों में, उसके कैल्शियम की कमी से आपके उभार होते हैं पत्तियों में, पत्तियों के आकार छोटा होता है। प्लस फेरस की कमी से एक चीज़ नोट कर लीजिए किसान भाई, सबसे बहुत ही बेहद ये जानकारी वाली विषय आप लोगों के लिए, क्योंकि फेरस की कमी होता है तो मैक्सिमम किसानों के माइंड में होता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको धान में ही डालने की ज़रूरत है। हमारे सब्जियों में या केले की फसल में होता क्या है, पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, आप देखे होंगे पत्तियों का आकार सफ़ेद होने लगता है और वो धीरे धीरे क्या होता है पीला होकर के पौधा नया पत्तियाँ निकालता ही नहीं है, पौधा वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। तो फेरस की कमी के लिए आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल अभी करते हैं तो आपके फसल में पत्तियों का जो आकार सफ़ेद होता है, पत्तियां सफ़ेद होती हैं या पीली होती हैं या आधा सफ़ेद आधा हरा होता है, उस कंडीशन में फेरस का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं अपनी फसल में, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। बात हम करते हैं जिंक की भी कमी होती है तो जिंक की भी कमी से आपके खेतों में पत्तियों का आकार छोटा प्लस पीला होने लगता है, जैसे कि पत्तियों का आकार ऊपर से छोटे होने लगते हैं। हम जनवरी माह में बात करेंगे फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की कि हमें कौन कौन सी खाद अपने केले की फसल में देना है। तो किसान भाई सबसे बहुत ज़रूरी होती है फास्फोरस की सप्लाई आप कैसे देंगे, क्योंकि जो फास्फोरस होता है रेशे वाली फसल के लिए सबसे ज़रूरी जो खाद होता है वो होता है फास्फोरस। हमारे रेशे वाली फाइबर क्रॉप के लिए फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आप फास्फोरस नहीं देंगे तो आपका जो रेशे वाली फसल है या फाइबर क्रॉप है वो फसल आपका सुरक्षित नहीं रहेंगे, पत्तियों का जो आकार होता है कलर होता है वो डिसकलर हो जाएगा, पत्ती जलने लगती है, ये समस्या आपको दिखने लगता है। तो बात करेंगे हम फास्फोरस की, केले की फसल में फास्फोरस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप जनवरी महीने में आप 50 से 80 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से फास्फोरस ले लीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट आता है, कैल्शियम नाइट्रेट जो है आप 8 से 10 ग्राम प्रति पौधा कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए अपने पौधे में, डीएपी के साथ मिलाइए। इसके साथ आप मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट की मात्रा आपका वो फार्म के ऊपर है, एडीटी फार्म में डालते हैं कि नॉर्मल फार्म में डालते हैं, अगर आप नॉर्मल डालेंगे तो 10 से 15 ग्राम प्रति पौधा का डोज रहेगा और यदि आप एडीटी फार्म में डालते हैं तो ये पौधा 1 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डोज होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी इसका जो है आप इसका डोज ईडीटी फार्म में 10 ग्राम और चिलेटेड ईडीटी फार्म में 1 ग्राम रहेगा, जो नॉर्मल कैल्शियम आते हैं मार्केट में उसको आप 10 से 15 ग्राम के हिसाब से आप अपने केले की फसल में आप डलवा सकते हैं। इस जनवरी माह में टेम्परेचर काफ़ी डाउन होते हैं तो आप कहीं कहीं किसान भाई सल्फर भी ऐड कर देते हैं, तो आप सल्फर के जगह पे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर जो आते हैं आप उसको जिंक कैल्शियम मैग्नीशियम बोरान और सल्फर युक्त आपके फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं उसका इस्तेमाल 10 से 15 ग्राम
प्रति पौधे के हिसाब से अगर आप देते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। डीएपी और प्रोम, इन दोनों में किसी को भी आप रख सकते हैं अपनी फसल में। जैसा कि आज हम जिस प्लाट में खड़े हैं, इस प्लाट में प्रोम और रूट गार्ड लगभग इसमें 3 बार पड़ चुका है और आप देख सकते हैं कि पूरे लगभग आपका 7 से 8 एकड़ में ये केले की फसल लगी हुई है और हमें कहीं भी बिना ये प्रोम की जो शिकायत रहती है किसानों की कि हम प्रोम डालते हैं फास्फोरस की सप्लाई नहीं होती है, तो यहाँ ड्रिप के माध्यम से भी खेती, ड्रिप भी लगाया गया है, उसके माध्यम से हमारा जो फास्फोरस है ऑर्गेनिक मैनुअल में जो आता है वो धीरे धीरे पौधे के पास लगता है और काफ़ी लंबे समय तक रिजल्ट आपको देता है फास्फोरस। तो आप प्रोम और रूट गार्ड भी दिखा दें आपको किसान भाई, अगर बुआई के समय किसी भी फसल में रूट गार्ड भी डलवाते हैं तो आपके फसल में ऐसे ही जैसे आज आपको इस प्लाट में हम दिखा रहे हैं वैसे ही आपको प्लाट में सारे रिजल्ट आएंगे रूट गार्ड के। वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको रूट गार्ड, ये रूट फंगल गार्ड किसी भी फसल में बुआई के समय फंगस आने नहीं देता है, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इस फसल में पूरे खेत में रूट गार्ड पड़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। कुछ किसान भाइयों का ये हमारी समस्या रहती है कि हमारे फसल जो है सही है लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधा सूखने लगता है, तो हम लोगों ने केले में इस्तेमाल करवा रखा है फंगो हिट का। अगर किसान भाई या किसी भी फसल में आपको सूखने वाली समस्या है तो ये जो दवा फंगो हिट है 12 से 24 घंटा के अंदर आपके पौधे को सूखने से बचा लेगा। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी फसलों में तो बीमारी भी नहीं आएगा, प्लस बीमारी के साथ साथ आपका फसल का प्रबंधन भी रहेगा बढ़िया, प्लस आपके जो फर्टिलाइजर डालेंगे वो फर्टिलाइजर पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा, तो काफ़ी अच्छा उसको अवशोषित करेगा और पौधा अगर स्वस्थ है तो जो फल लगेंगे फल भी आपके काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।